हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ एक ऐसा फेस पैक जो मतलब बहुत 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 अच्छा होने वाला है। चाहे आपके फेस पे एक्ने हो, पिंपल्स हो, झाइयां हो, या हो ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इस फेस पैक को जरूर यूज करिए। तो मैं भी आज उसको ट्राई करने वाली हूँ, बहुत सारी तारीफें सुन सुन के अब मैं इसे रुका नहीं जा रहा। मैंने बहुत टाइम से सोचा कि मैं ट्राई करूँ, पर मैं कर नहीं पा रही थी, लेकिन आज फाइनली मैं इसको करने वाली हूँ ट्राई। तो आप लोग भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर क्या है ये, किस चीज़ का फेस पैक है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये फेस पैक है डिस्प्रिन। तो मैंने डिस्प्रिन मंगाया था, आप लोगों ने सुना ही होगा कि डिस्प्रिन कितनी फायदेमंद है, अपने इसके बारे में सब लोग जानते होंगे, ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जिसको पता ना हो कि डिस्प्रिन क्या है। तो मैंने मंगाया तो था कि अपने सिर दर्द के लिए, मुझे सिर दर्द हो रहा था तो मैंने डिस्प्रिन मंगाई। और आप देख रहे हैं ऊपर दो टेबलेट इसमें ख़त्म है, वो मैंने यूज किया था। फिर मुझे याद आया कि चलो डिस्प्रिन की फेस पैक बनाते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मेरे फेस पे झाइयाँ बहुत टाइम से, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ झाइयों से, मैंने क्या क्या नहीं ट्राई किया, जो भी यूज करो कुछ टाइम तक लाइट कर देता है और फिर से वापस आ जाती हैं। अब ठंड का मौसम है तो धूप में जाएंगे ही हम, धूप तो लेना ही लेना, और मुझे धूप से एलर्जी है। सनस्क्रीन लगा के भी कोई कितनी देर बैठेगा, लगाती तो हूँ मैं लेकिन धूप पता नहीं कैसे मेरे पीछे पड़ा। तो हमें लेना है डिस्प्रिन की दो टेबलेट। सबसे सस्ती और हर जगह मिल जाने वाला ये फेस पैक बनने वाला है। तो आप लोग जहाँ भी रहते हैं आप लोग को इजली ये मिल जाएगा और बहुत ही चीप है ये। तो किसी को ये बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी बहुत महंगा है या हमारे यहाँ लोकल मार्केट में नहीं मिल रहा है या जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ अवेलेबल नहीं है, सब जगह ये मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेस पैक बनाना। तो मैंने ले लिया दो टेबलेट, इसको करेंगे ओपन। आपको भी दो टेबलेट ही लेना है अगर आपको अकेले लगाना है। अगर आपके घर में कोई और लगा रहा है, कोई और बोल रहा है कि हाँ मेरे लिए बना दो, तो दो और ले लो, इनफ है इतना। तो आपने देखा ही होगा एड में कि डिस्प्रिन की गोली को बस पानी में डालिया और ये तुरंत एकदम घुल जाता है, टाइम नहीं लगता है, इसीलिए ये जल्दी असर करता है क्योंकि ये तुरंत के तुरंत मिक्स हो जाता है। तो आज से मैं इसको 7 डे डेली यूज करने वाली हूँ क्योंकि मुझे इसका रिजल्ट देखना है और आप सबको बताना है। तो डिस्प्रिन लेना है और आप ले सकते हैं नींबू, और अगर आपको सूट नहीं करता है नींबू, बहुत लोग के फेस पे ईचिंग होने लग जाती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो आप पानी ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जिसमें आपको डिस्प्रिन को मेल्ट करना है। तो ये है दो टेबलेट और ये है, तो मैं इसको इसमें ले लूँगी। बहुत ही थोड़ा सा लेना है, हमें ज़्यादा थिक नहीं बनाना है, एकदम फेस पैक की तरह बनाना है। तो मैंने इसमें जैसे ही नींबू डाला, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, ये कुछ इस तरीके से झाग होना शुरू हो गया है, मतलब ये मेल्ट होने लग गया है। और ये जैसे ही मेल्ट होगा हमें वेट नहीं करना है, हमें तुरंत अपने फेस पे लगाना है। और सबसे ज़रूरी बात कि आपका फेस एकदम क्लीन होना चाहिए, जैसे अभी मेरा एकदम क्लीन है फेस, मैंने पहले से ही फेस वॉश कर रखा था, काजल और लिपस्टिक लगी है, पर कोई बात नहीं, आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा एलोवेरा से क्लीन कर ले रही हूँ। तो अगर आपके पास आप
अभी ठंडियों के मौसम में बार बार फेस वॉश नहीं कर सकते हैं, तो सबसे इजी तरीका आप एलोवेरा लगाइए और इसको क्लीन कर लीजिए फेस को, तो ये भी फेस वॉश का ही काम करता है। मैं ये इस फेस पैक को इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे फेस पे यहाँ नोज पे और इस एरिया में व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा व्हाइट हेड एंड ब्लैक हेड क्लियर हो जाए और मेरे फेस पे यहाँ यहाँ पे जो अभी कैमरे में अच्छे से दिखता नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी सी झाइयाँ हैं, तो काफ़ी लोग कमेंट करके जाते हैं आपके फेस पे झाइयाँ कभी थी ही नहीं, है ही नहीं, आप ऐसे ही बोलते हो, लेकिन ये सच नहीं है, काश ये सच होता। तो मैं फेस को क्लीन कर लेती हूँ, तो ये है टिश्यू पेपर और मैं एलोवेरा को क्लीन कर ले रही हूँ। वैसे तो फेस पे कोई भी डस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने फेस वॉश किया था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो लगाने से पहले क्लीन करना जरूरी है, तो कर लेते हैं। तो हमारा फेस पैक एकदम रेडी है लगाने के लिए, हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसको ऐसे लगा लेना है। आपको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ पे पिंपल्स हैं, झाइयाँ हैं, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स है, सिर्फ वहाँ पे लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पूरे फेस पे लगाना। तो मुझे यहाँ तो बहुत ज़्यादा व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगी और नोज पे। दोनों साइड चिक्स पे पूरे फेस पे लगा लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा बच गया है और इसको हमें रब नहीं करना है, सिर्फ ऐसे लगाना है। बस हमारा फेस पैक रेडी है, हमने फेस पे लगा लिया है, अब इसको हमें 15-20 मिनट तक लगे रहने देना है, ऐसे ही कुछ भी नहीं करना है। जब ये सूख जाएगा तब हम इसको धुल लेंगे। सबसे जरूरी बात कि आपका फेस किसी भी टाइप का है, चाहे ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, कुछ कॉम्बिनेशन किसी भी टाइप का है, आप इसको यूज कर सकते हैं। हेलो गाइस, तो मैंने फेस पैक कर देख लीजिए हटा दिया है, फेस वॉश कर लिया है, तो अभी मेरा फेस एकदम क्लीन है। बहुत ज़्यादा तुरंत के तुरंत इफेक्ट पता नहीं कैसे सब बोलते मिल जाते हैं, मुझे कुछ खास नहीं लगा, लेकिन हाँ बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी फीलिंग आ रही है। जैसे कि हम फेसियल करवाते हैं या कोई फेस पैक लगाते हैं तो हमारा फेस एकदम सॉफ्ट हो जाता है। मैं ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि इसने रिजल्ट नहीं दिया है क्योंकि एक ही दिन में 10 मिनट में इतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है, तो मैं अभी करने वाली हूँ 7-day टेस्ट, 7 दिनों तक मैं इसको यूज करूँगी और फिर मैं आपको एक दूसरी वीडियो में बताऊँगी कि कितना असर किया, पर सॉफ्ट तो बहुत लग रहा है। पिंपल्स जिसको है प्लीज़ वो यूज करके बताना, या फिर जिन्होंने यूज किया है इस फेस पैक को, डिस्प्रिन को, वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कितना असर किया है। तो आप लोग के कमेंट से ही पता चलता है कि हाँ ये कितना फ़ायदेमंद रहा, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको कितना असर दिया है। आशा करती हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो बना के, मतलब फेस एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, पर पिंपल्स या झाइयों के दाग कितनी जल्दी असर करता है, ठीक करता है, ये मैं अभी नहीं बोल सकती हूँ, वो मैं बताऊंगी आपको अगली वीडियो में।
ओके गाइज, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आपको मिले मेरी वीडियो सबसे पहले। बाय बाय।